गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो इज अबाउट क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5 ग्रेट लीडर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड। दिस इज आवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव डन टू ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। टुडे वी आर गोइंग टू रीड टू ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। दीज आर टू पिक्चर्स। अभी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की पिक्चर देख रहे हैं। आज हम जो टू इंडियन लीडर्स, ग्रेट इंडियन लीडर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न इन गुजरात इन 1875। ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी हु गेव हिम द टाइटल ऑफ सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। और वो प्रोफेशन से लॉयर थे, वकील थे, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी से, और महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें सरदार का टाइटल दिया था, ठीक है, तभी उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। हिज पार्टिसिपेशन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्नड हिम द टाइटल ऑफ द आयरन मैन। His contribution towards the unification of India and in controlling the kings and Nawab is praiseworthy. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका जो participation था, ठीक है, जैसे non cooperation movements थे जो हमारे उस time independence को लेकर, उसकी वजह से उन्हें द आयरन मैन का क्या मिला था? टाइटल भी मिला था, ठीक है। और वो कंट्रोल करते थे किंग्स और नवाब्स को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए भी उनकी क्या की जाती थी? प्रेज की जाती थी। नाउ वी विल रीड अबाउट सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 1897 इन कटक। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। ही डिड नॉट हैव फेथ इन महात्मा गांधी मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। और उन्हें महात्मा गांधी जी की मेथड जो नॉन वायलेंस था, उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उनको लगता था कि नॉन वायलेंस बिना मार कुटाई किए, या फिर बिना किसी इस तरीके से, बिना किसी को डराए धमकाए, हम अपनी इंडिपेंडेंस वापस नहीं ले सकते। ही मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज बट ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट ऑन हिज रिटर्न। उन्होंने मैट्रिक जो थी वो कैम्ब्रिज से की थी, बट उन्होंने वहां से आते ही फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ही वॉज इलेक्टेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस एंड वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जी दो बारी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़े, और उन्हें वहां पर किसके नाम से? नेताजी के नाम से जाना जाता था। इन 1942 सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द नेशनल आर्मी INA in Japan, but was unable to suppress the British forces. सुभाष चंद्र जी ने 1942 में एक नेशनल आर्मी भी INA भी स्थापित की, ठीक है, जापान में, बट वो भी ब्रिटिश फोर्सेस को दबा नहीं पाई। On 18th August 1945, नेताजी was reported to have died in an air crash. और 18 अगस्त 1945 में बताया गया कि नेताजी
की डेथ हो गई है एक एयर क्रैश में. नाउ वी विल रीड अबाउट ग्रेट लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्री के लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में. दिस इज द पिक्चर ऑफ अब्राहम लिंकन, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्री के हमारे ग्रेटेस्ट लीडर हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये इनकी इनका नाम है अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809 इन अ पुअर अमेरिकन फैमिली. जो अब्राहम लिंकन थे, उनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था, एक गरीब अमेरिकन फैमिली में. द करियर ऑफ अब्राहम लिंकन इज एक्सप्रेस्ड इन द एज फ्रॉम द लॉग कैबिन टू द व्हाइट हाउस. जो उनका कैरियर था वो कहाँ से शुरू हुआ था? लॉग कैबिन से स्टार्ट हुआ था और व्हाइट हाउस तक पहुंचा था. हिज फादर थॉमस लिंकन वॉज अ पुअर फार्मर. और जो उनके फादर थे थॉमस लिंकन, वो एक बहुत गरीब किसान थे. सो ही वॉज अनेबल टू सेंड हिज सन टू द स्कूल. इसलिए वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाए. अब्राहम लिंकन हैड टू वर्क एज अ फार्मर, फार्म लेबरर एंड अ लॉग चॉपर, बट ही हैड अ ग्रेट डिजायर टू स्टडी फर्दर. अब्राहम लिंकन को काम करना पड़ा एक फार्म में लेबर की तरह, और लॉग चॉपर में काम करना पड़ा. बट उनकी जो डिजायर थी, उनकी जो इच्छा थी, वो आगे पढ़ने की इच्छा थी. विथ हिज हार्ड वर्क ही क्वालिफाइड एज अ लॉयर. और उनकी जो हार्ड वर्क था, उससे उन्होंने क्या क्वालिफाई कर दिया, लॉयर का क्वालिफाइड कर दिया, अपनी लॉयर की पढ़ाई पूरी कर ली. एट द एज ऑफ 25 अब्राहम लिंकन एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड वॉज इलेक्टेड टू द इलिनॉय स्टेट लेजिस्लेचर. जो अब्राहम थे, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, ठीक है, और वो उन चुनाव में जीते. ठीक है, कहाँ पर? इलिनॉय स्टेट लेजिस्लेचर में उन्होंने वो चुनाव जीते. एट द टाइम स्लेव्स वॉज क्वाइट कॉमन इन अमेरिका. उस टाइम पर स्लेव्स मतलब गुलामी बहुत ही कॉमन थी अमेरिका में. द स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका वर सोल्ड एंड परचेज इन द ओपन मार्केट. जो गुलाम होते थे, उनको मार्केट में बेचा और खरीदा जा सकता था. दे वर कैप्ड इन चेन्स, हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड वर एट द मर्करी ऑफ देयर लैंडलॉर्ड्स. और जो जो स्लेव्स थे, मजदूर थे, गुलाम थे, वो पूरे दिन चेन्स में बंधे रहते थे और उन्हें अपने लैंडलॉर्ड्स की गुलामी करनी पड़ती थी. जिन्होंने उन्हें खरीदा है, उनका सारा काम करना पड़ता था. अब्राहम लिंकन वॉज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ स्लेव्स एंड वॉन्टेड टू पुट एन एंड ऑफ दिस इनह्यूमन सिस्टम. जो अब्राहम थे, वो इस इनह्यूमन सिस्टम को खत्म कर देना चाहते थे. अब्राहम लिंकन बिकम अनपॉपुलर इन द साउथर्न स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ स्लेवरी. जो साउथर्न स्टेट था अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है, वो लोग अब्राहम के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो इस सिस्टम को चलाते थे. उनके लिए वो ये सिस्टम बहुत बेनिफिशियल था, लोगों को लेके आना और उन्हें बेचना, ठीक है, स्लेव्स बनाकर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैन एंड स्लेव्स वॉज इलीगल. और जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का, संविधान था, वो
बेस था इक्वालिटी ऑफ मैन, एक जैसे सबके लिए एक जैसा अधिकार, उस पे बेस था। और जो स्लेवरी थी वहां पर इलीगल थी। अमेजिंग फैक्ट, देयर आर 50 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट नाउ। आज के टाइम में 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट में। आउट ऑफ दीज 13 स्टेट्स आर कॉल्ड ओरिजिनल स्टेट। इसमें से 13 स्टेट्स को ओरिजिनल स्टेट कहा जाता है। और अदर स्टेट ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट लेटर ऑन। और जो बाकी के 37 स्टेट्स हैं, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को बाद में ज्वाइन किया। टू स्टेट्स अलास्का एंड हवाई आइलैंड आर नॉट कनेक्टेड टू द मेन लैंड। और जो दो स्टेट हैं अलास्का और हवाई, वो दोनों आइलैंड कनेक्टेड नहीं हैं उनके मेन लैंड। नाउ वी आर अगेन गोइंग टू रीड अबाउट अब्राहम लिंकन। इन 1860 एट द एज ऑफ 49 अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड एज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जब अब्राहम लिंकन 49 ईयर्स के थे 1860 में, तब वो यूनाइटेड स्टेट के 16th प्रेजिडेंट चुने गए थे। दी नॉर्थन एंड दी साउथन ग्रुप्स वर रिगिड ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी, विच रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर विच लास्टेड फॉर 4 ईयर्स। जो इशू था स्लेवरी का, जो बंधक बनाए जाते थे, उस इशू पर इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि वो सिविल वॉर में चेंज हो गया। और ये सिविल वॉर 4 ईयर्स तक चलती रही। दिस वॉर इज नोन एज द अमेरिकन सिविल वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। और इस वॉर को सिविल द अमेरिकन सिविल वॉर का नाम दिया गया है। और ये हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में लिखी गई है। द नॉर्दर्न स्टेट्स अंडर अब्राहम लिंकन वॉन द वॉर। और जो नॉर्दर्न एरिया था जो अब्राहम लिंकन के अंडर आता था, उन्होंने ये वॉर जीत ली। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अब्राहम लिंकन एंड इट मार्क द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। और ये बहुत बड़ी जीत थी अब्राहम लिंकन के लिए। और इससे क्या हुआ, स्लेवरी जो थी, बंधक बनाए जाते थे जो, वो खत्म हो गए अमेरिका से। अब्राहम लिंकन एज द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी ऑफ पीस। और जो अब्राहम लिंकन थे प्रेजिडेंट, उन्होंने क्या डिक्लेयर की, पॉलिसी ऑफ पीस, शांति से रहने की पॉलिसी डिक्लेयर की। इन 1865 ही वॉज शूट डेड बाय जॉन विल्क्स वाइल वॉचिंग अ प्ले आर अमेरिकन कजन्स। 1865 में उन्हें गोली मार दी जॉन्स विल्क्स ने, जब वो क्या एक प्ले देख रहे थे आर अमेरिकन कजन। बेटे ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उसकी। ये वॉर 4 इयर्स तक चली, ठीक है। ये उनकी पिक्चर्स हैं अमेरिकन सिविल वॉर की। इसमें नॉर्थन अमेरिका जो किसके अंडर आती थी, अब्राहम लिंकन के अंडर आती थी, उन्होंने लास्ट में ये वॉर जीती थी। इस वॉर का नाम था अमेरिकन सिविल वॉर। और ये अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसमें लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में द सिविल वॉर के नाम से लिखी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर 3 मिलियन स्लेव्स इन द USA वर फ्रीड आफ्टर 2 ईयर्स अ लॉ वॉज पास्ड बैनिंग स्लेवरी। जब सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में, तो जो 3 मिलियन स्लेव्स थे वो USA से फ्री किए गए, उनको आज़ाद किया गया। 3 मिलियंस लोग उन्होंने बंदी बनाए हुए थे, ठीक है। और उसके 2 साल बाद, फाइट के 2 साल बाद, वॉर के 2 साल बाद एक लॉ पास किया गया जिस पे स्लेवरी को पूरा बैन कर दिया गया। मतलब अब अमेरिका में स्लेवरी कोई नहीं, बंधक बनाकर कोई नहीं ला सकता था।
नाउ बेटा टुडेज होमवर्क क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 ग्रेट लीडर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड लेक्चर नंबर 2 होमवर्क योर होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट वर गांधी जीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट गांधी जी के क्या मेथड थे प्रोटेस्ट करने के आई रिपीट What were Gandhiji's methods of protest? Question number 4. Which Indian leader is known as the architect of modern India? What was his contribution in the freedom struggle? Kis leader ko architect of modern ke naam se jana jata tha? एंड उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आई रिपीट विच इंडियन लीडर इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल क्वेश्चन नंबर 5 हाउ वॉज द मेथड अडॉप्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस डिफरेंट फ्रॉम दोज अडॉप्टेड बाय गांधी जी जो मेथड थे सुभाष चंद्र बोस के और गांधी जी के कैसे कैसे जो दोनों ने अडॉप्ट किए थे वो कैसे अलग थे डिफरेंट कैसे थे आपको एक डिफरेंस बताना है दोनों के मेथड में आई रिपीट द क्वेश्चन हाउ वॉज द मेथड अडॉप्ट बाय सुभाष चंद्र बोस डिफरेंट From those adopted by Gandhiji. Beta, you have to send this homework on my email ID. I have given you my email ID on Adquire website. You can check there. Or you have to do your homework in Fair Notebook. After doing homework, please avoid silly mistakes of spellings. After doing homework, click photo and send it on my email ID. If you have any query in this lecture, you can ask through email or you can send a message on my WhatsApp number. I will try to solve your query as soon as possible. Now it's time for homework solution. Class number 5, subject social science, chapter number 5. Great Leaders, India and the World, Lecture 1, Homework Solution. Our homework was 2 question answers. Number 1, who was Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, properly known as the father of nation, was a simple and pure soul who lead the nation in its freedom movement. I repeat, Mahatma Gandhi, popularly known as the father of the nation, was a simple and a pure soul who lead the nation in its freedom movement. Next question. What were Gandhiji's methods of protest? Answer: Gandhi ji's methods of protest without any bullshit through his satyagraha based on truth, courage and non-violence. Gandhi ji's method of protest are without any bullshit through his satyagrahas based on truth, courage and non-violence. Thank you, beta. Have a nice day. Be safe. Be happy.